वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं विराट कोहली सर की ड्राइंग को। तो ये पार्ट थ्री है, पार्ट टू और पार्ट वन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ चेक करना गाइस। और हम क्या करेंगे पर इसमें ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम एच बी पेंसिल्स चूज़ करेंगे, ठीक है। एच बी पेंसिल्स हमें पूरा फर्स्ट लेयर देना है इसके अंदर, और फिर अपन लेयर बाय लेयर काम करेंगे। पहले तो फर्स्ट लेयर से शेड कर देंगे, और फिर सेकंड लेयर करनी है, और फिर थर्ड लेयर। तो उससे क्या होगा, मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक सा फील आएगा ड्राइंग में, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करना है, रेफरेंस को आप रेफरेंस के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाने के चेक कर लेना। और उसमें देखना कि जहाँ पे मैं आपको डार्क शेड दिखे और लाइट शेड दिखे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। जैसे कि वहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है तो हमको शेड में डार्कनेस देना है, ठीक है। और जहाँ पे लाइट है तो वहाँ पे लाइट पेंसिल यूज़ करना है हमें शेड करने में। और जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया ना, वहाँ पे तो मैं वाइट छोड़ देना। देखो मैंने शेड करा है, अब देखो आप नोटिस करो कि जहाँ पे मैंने वाइट छोड़ा है ना, वहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है। तो यही हमको नोटिस करना है पूरे शेड में। और शेड करते समय एक चीज़ का नोटिस करना कि ना, शेड के ना बीच में ना, जब आप शेडिंग करो ना, तो ना उसके बीच में ना गैप नहीं रहना चाहिए। बिगनर्स क्या करते हैं, जब शेडिंग करते हैं तो उनके बीच में ना गैप रहता है, वो ना ढंग से शेड नहीं करते हैं। और कभी भी शेड करते हैं तो कभी कभार क्या करते हैं वो बिगनर्स, कभी डार्क शेड कर देते हैं, कभी बीच में लाइट कर देते हैं, तो वो भी गलत है। तो आप रेफरेंस को देखो, जहाँ पर डार्कनेस है तो वहाँ पर डार्कनेस ही करो, लाइट नहीं करना बीच में, और जगह भी नहीं छोड़नी, ठीक है। अच्छे से शेड करो, और फिर उसको हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकता हूँ, और ब्रश हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, कॉटन बर्ड हो गया, तो कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, कुछ भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो ब्रश करूँगा, ठीक है। ब्रश से मतलब क्या होता है, स्मूथ ब्लेंड होता है, नहीं तो टिश्यू पेपर कर सकते हो। टिश्यू पेपर ये बहुत अच्छा चीज़ है ब्लेंड करने के लिए। तो पहले देख लो, मैं शेड कर लेता हूँ और फिर ब्लेंड करूँगा इसको, फिर अपन अदर पेंसिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंड तो हो चुका है गाइस, हम क्या करेंगे, सेकंड लेयर करेंगे इसमें। तो सेकंड लेयर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल का, ठीक है। और अगर 6B पेंसिल ना हो तो आप 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो 6B से हम शेड कर लेंगे, वही यूज़ करेंगे जैसे अपन ने HB से शेड किया था ना, कि जहाँ पर डार्क है तो वहाँ पर डार्क, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट, मतलब एक तरह से हमें उसी के ऊपर मतलब सेकंड लेयर कर देनी है, ठीक है। तो वो कर देंगे ना, और फिर अपन थर्ड लेयर करेंगे, और इसको भी सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है, पहले शेड करना है और फिर ब्लेंड करना है, ठीक है। तो फिर आप देख लो मैं किस तरीके से शेड करता हूँ। अपनी सेकंड लेयर भी हो चुकी है, उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टर्बो मोनो इरेजर यूज़ करेंगे और उससे हाईलाइटेड एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो जितने भी अपन ने वाइट एरिया नहीं छोड़े थे ना, वहाँ पे हमको एक बार इरेज कर देना है पूरे एरिया में, जहाँ जहाँ पे अपने वाइट एरिया छोड़ा है, और भी कर देना अगर आपको जहाँ पे भी लगे कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है तो वहाँ पे भी कर देना। और हाईलाइट होने के बाद अब क्या करेंगे, अपन थर्ड लेयर करेंगे। तो थर्ड लेयर करने के लिए मैं 8B पेंसिल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 8B पेंसिल से हम वही करना, जितने भी डार्कनेस है ना, वहाँ वहाँ पर शेड कर देना है। तो वैसे 8B पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर अपन ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करेंगे तो वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, ब्लेंडिंग से भी स्मूथ ब्लेंड होता है। तो इससे करेंगे तो थोड़ा डार्कनेस अच्छे से दिखेगा, तो मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ।
तो ऐसा मैं बैकग्राउंड ड्रॉ करूँगा, तो बैकग्राउंड ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेफाइट डस्ट का, तो आप चारकोल डस्ट ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, शेड कर देना है, ब्लेंड कर देना उसको। तो फाइनल गाइस ड्राइंग तो होने वाली हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।